हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुसुम वेज किचन में। आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल रबड़ी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे बनाने में मुझे लगा है 12 मिनट। आप इसे घर पर बनाएं, ट्राई करें, देखिए कितनी खूबसूरत सी रबड़ी बनी है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और बहुत पेशेंस भी नहीं रखना होता है। बहुत ईजीली हो बन जाती है और बच्चे बड़े सभी इसके दीवाने हो जाएंगे अगर इसे आपने बनाया तो। ये देखिए, इसमें सेफ्रन है, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम्स पाइनएप्पल। इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया है कुछ इस तरह से। पाइनएप्पल फ्रेश पाइनएप्पल है और ये बहुत स्वीट है, इसलिए हम इसमें शुगर को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसके चंक्स मैंने कट कर लिए थे और ये बहुत ही अच्छा और पका हुआ पाइनएप्पल था, इसलिए कुछ येलो दिख रहा है। और यहाँ है 1 लीटर मिल्क। इस मिल्क को मैंने, ये फुल क्रीम मिल्क है और ये मिल्क हम बॉईल करेंगे। अगर आप फुल क्रीम नहीं लेना चाहते हैं तो स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं, बट फुल क्रीम मिल्क से होता ही है कि टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और क्रीमी सा टेक्सचर होता है एक, वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैंने शुगर लिया है थोड़ा, शुगर आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लें और बहुत ज़्यादा शुगर ना लें, बिकॉज़ इसमें हम जो पाइनएप्पल यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत स्वीट है। और ये है कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर और ये है सैफ्रॉन यानी कि केसर। चलिए तो हम बिगिन करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा सॉस पैन ले लिया है, ये मोटे तले का है। इसमें मैं जो दूध है उसे बॉईल करूँगी। इस दूध को बॉईल करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, इसे हमें रिड्यूस करना है, तब तक कुक करना है जब तक कि ये रिड्यूस होकर 1/4 जो है इसका पोर्शन वो हो जाए। तो ये मैं इस तरफ इसे कुक करती हूँ और इसमें मैं सेफ्रन अभी से ऐड कर दूँगी, क्योंकि सेफ्रन वैसे हम सॉक करके और बाद में किसी भी डिश में डालते हैं, पर यहाँ पे हम अभी से डाल देंगे ताकि उसे सॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका जो अरोमा है और उसका जो कलर है वो इस मिल्क में बहुत अच्छे से आ जाए। तो यहाँ मैंने लिया है 1 पिंच सेफ्रन और केसर। यहाँ मैंने एक स्पेचुला लिया है इसको चलाने के लिए और ये फ्रंट से शार्प है ताकि इस मिल्क को हम कंटिन्यू चलाएंगे और ये स्टिक ना हो पाए, इसलिए मैंने शार्प वाला स्पेचुला लिया है। आप भी कोशिश करें कि शार्प वाला लें और इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये जो है मिल्क वो नीचे स्टिक हो जाएगा और लाइक बर्न सा एक इसका फ्लेवर आएगा। तो आप उसे अवॉइड करने के लिए प्लीज़ इसे कंटिन्यू चलाते रहें। यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 बाउल गरम पानी और इस सॉस पैन में हम पकाएंगे अपना जो पाइनएप्पल है उसे। तो ये मैंने पाइनएप्पल इसमें डाल दिया है। आज मैं एक सुपर वूमन की तरह काम कर रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें हम जल्दी से कर लें। और ये पाइनएप्पल के साथ में हम शुगर भी ऐड कर देंगे। एक्चुअली हमें ये जो पाइनएप्पल है इसे रबड़ी के लिए रेडी करना है, तो इस प्रोसेस में हमने 1/2 बाउल पानी लिया है और जो पाइनएप्पल था वो इसमें डाल दिया है और इसमें हमारी जो शुगर है वो डाल दी है। और इसे हम जिस तरह से मैं चला रही हूँ उसी तरह से चलाएंगे, बहुत स्पीड के साथ में और बहुत दबा करके इसे नहीं चलाएंगे, अदरवाइज़ जो हमारे पाइनएप्पल के चंक्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और फिर वो मज़ा नहीं आ पाएगा रबड़ी में पाइनएप्पल का जो आना चाहिए। इस पाइनएप्पल को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें से जो शुगर सायरप है वो रिड्यूस हो करके ख़त्म हो जाए, ये एब्जॉर्ब कर ले सारा शुगर सायरप यानी कि शुगर को। तो हमें तब तक इसे कुक करना है जब तक कि ये जो सारा वाटर है ये इसका ख़त्म हो जाए। और इस प्रोसेस में लगता है कम से कम 3 मिनट, 3 से 4 मिनट मान ले। ये जो है दूसरी तरफ मैंने मिल्क रखा हुआ है और मिल्क भी बॉईल हो रहा है अच्छे से और इसमें जो सैफ्रन का कलर है वो आने लगा है, कुछ येलोविश कलर अगर आपको भी दिख रहा है शायद, तो ये येलोइश होने लगा है। और ये दूसरी तरफ जो है
पाइनएप्पल वो भी कुक हो रहा है। इस बात को याद रखें कि पाइनएप्पल स्वीट है, इसलिए हमने यहाँ शुगर कम लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा शुगर ना लें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और आप खा नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, हमें इस मिल्क को कंटिन्यू चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है, और दोनों तरफ हमारा पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर आप भी दोनों तरफ अपना कंटिन्यू फोकस कर पाएँ तो आप दोनों चीज़ें एक साथ कर लें, दोनों प्रोसेस एक साथ कर लें, पाइनएप्पल भी कुक कर लीजिए और रबड़ी भी बना लीजिए। और अगर आपका फोकस नहीं है तो आप एक एक प्रोसेस कर लें, आप पहले पाइनएप्पल को कुक कर लें, उसके बाद में आप अपनी रबड़ी बना लें, क्योंकि फाइनली दोनों को मिक्स करना है। यहाँ जो पाइनएप्पल है ये रेडी हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सायरप था शुगर का वो रिड्यूस हो गया है और ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। और अभी ये गर्म है तो बाकी का जो बबल्स आपको दिख रहे हैं भी चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी सायरप नहीं बचा है, सिर्फ बबल्स हैं। तो अभी हम इसे बंद कर देंगे और इसे रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपनी रबड़ी रेडी करते हैं। तो आप घर पे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, घर पे आप ज़रूर बनाएं और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो ये कैसी बनी है। और अगर आप प्लीज़ इसमें मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, अगर कुछ अच्छा आप मुझसे ऐड करवाना चाहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं अपनी वीडियोस को और अपनी चीज़ों को। तो यहाँ देखिए, अभी हम बॉईल कर रहे हैं और ये रिड्यूस होकर के ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। और इसे बॉईल करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। और ये मेरा जो फ्लेम है ये फुल हाई फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। तो चलिए, रबड़ी जो है वो रेडी है। यहाँ पे मैं कार्डमम पाउडर जो हमारा था वो ऐड कर रही हूँ और इसे हम और 2 मिनट पकाएंगे। चलिए, तो हमारी जो रबड़ी है ये रेडी है। ये देखिए, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और कुछ इस तरह से बहुत ही डिलीशियस ये दिख रही है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। हमारा जो पाइनएप्पल चंक्स था वो रेडी हो चुका था। अभी टाइम है, ये भी ठंडा हो गया है, पाइनएप्पल चंक्स भी, और हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। अभी हम इन दोनों को मिला देंगे। याद रखें, जब भी आप पाइनएप्पल चंक्स को रबड़ी में मिलाएं तो रबड़ी ठंडी हो, अदरवाइज़ जो आपकी रबड़ी है, आप जानते हैं कि कोई भी खट्टी चीज़ अगर आपने मिल्क में डाला तो वो फट जाएगा, चाहे वो रबड़ी क्यों ना हो। और पाइनएप्पल खट्टा होता है थोड़ा सा और मीठा भी होता है, तो ये बात याद रखें कि दोनों चीज़ें ठंडी हो जाए उसके बाद आप मिक्स करें। तो चलिए, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मेरी जो पाइनएप्पल रबड़ी है वो रेडी है और बहुत ही डिलीशियस से दिख रही है। चलिए, कम्प्लीटली रेडी है। प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत ही डिलीशियस बनी है। ये देखिए मेरी फाइनल रबड़ी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।